हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 13 लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है 7 नंबर, इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे 7 नंबर है, इसका मतलब होता है 7/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल बन गया 1/7, यानी 1/7 जो है वो 7 का रेसिप्रोकल है। सेकंड है 11/3, तो 11/3 का रेसिप्रोकल राइट डाउन करना, यानी क्या इसी नंबर को उलट राइट डाउन करना, यानी इस प्रकार से 3/11। नेक्स्ट 5/13 का रेसिप्रोकल 13/5। टू नंबर यानी क्या 2/1 है, तो भी 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2, यानी 2 नंबर का रेसिप्रोकल बन गया 1/2। 6/7, 6/7 का रेसिप्रोकल है 7/6। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। फर्स्ट एग्जांपल दिया है 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4। अभी हमें ये डिवीजन करनी है, तो किस प्रकार से करनी है, देखो 2/3, अभी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1/4 दिया था, तो इसको ही इसी प्रकार से राइट डाउन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/4 का रेसिप्रोकल लेना है, यानी 4/1। अभी मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे 2 × 4 = 8 और 3 × 1 किया तो 3, यानी आंसर मिल गया हमें 8/3। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 5/9 डिवाइडेड बाय 3/2। यहाँ पे भी हमें डिवीजन करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 5/9 जैसा है वैसे का वैसा राइट डाउन किया, डिवाइडेड बाय 3/2 था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3/2 को रेसिप्रोकल लेना है उसका, मल्टीप्लाई बाय 2/3। अभी 5 × 2 = 10 और 9 × 3 बन गए 27, यानी आंसर मिल गया हमें 10/27। थर्ड एग्जांपल देखते हैं 3/7 डिवाइडेड बाय 5/11। 3/7 राइट डाउन किया, अभी यहाँ पे डिवाइडेड था तो इसका मल्टीप्लाई राइट डाउन किया और 5/11 का रेसिप्रोकल लिया, यानी 11/5। 3 × 11 बन गया 33 और 7 × 5 बन गया 35। फोर एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे 11/12 डिवाइडेड बाय 4/7, तो 11/12 जैसा है वैसे का वैसा राइट डाउन किया, डिवाइडेड था इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन आ गई और 4/7 का रेसिप्रोकल ले लिया, यानी 7/4। 11 × 7 किया तो 77, 12 × 4 = 48। इस प्रकार से 77/48 ये मिल गया इसका आंसर। यानी यदि हमें डिवाइडेशन करनी है तो क्या करना होता है बच्चों, जो राइट हैंड साइड का नंबर है इसका हमें रेसिप्रोकल लेना होता है, और डिवाइडेड का कन्वर्जन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है, और हम दोनों नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लेते हैं और इसका आंसर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर वेयर 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्वच्छ भारत कैंपेन, दे क्लीन 42/75 पार्ट ऑफ टाउन सेवाग्राम। व्हाट पार्ट ऑफ सेवाग्राम डीड ईच स्टूडेंट क्लीन इफ द वर्क वॉज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 420 स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए हैं स्वच्छ भारत कैंपेन में, और उन्होंने कितना पार्ट टाउन का क्लीन किया है, 42/75 पार्ट क्लीन किया है, तो हर एक बच्चे ने कितना पार्ट क्लीन किया है टाउन का वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 420, और उन्होंने पार्ट्स कितना क्लीन किया है, टोटल बच्चों ने 420 बच्चों ने पार्ट्स क्लीन किया है 42/75। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्ट ऑफ टाउन क्लीन बाय 1 स्टूडेंट, एक बच्चों ने कितना पार्ट क्लीन किया वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए 42/75 को डिवाइड करना होगा 420 से, तो देखो कैसा कन्वर्जन बन जाएगा, डिवाइडेड था 420, तो इसको कैसे लिया, डिवाइडेड बाय 420/1, 420 को ही इस प्रकार से राइट डाउन किया, तो 42/75 420/1 को राइट डाउन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/420, तो यहाँ पे 42 × 1 = 42, 42 × 0 = 1, तो 1/70, 1 × 1 = 1 और 75 × 10 किया तो 750, यानी जो पार्ट है एक स्टूडेंट ने कितना क्लीन किया, तो 750 पार्ट्स जो है तो क्लीन किया बच्चों ने। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 13 देखा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।